पानी गिर रही से। दोस्तों सुबह सुबह हम लोग छत पे सोए थे और अब पानी गिरने लगा नीचे। एनी तो ही है दीपाली, आ यहाँ आ जा। यहाँ सो जाओ, जा दिव्य दीदी के पास जा। देख रे नीला दिख रही से आसमान बड़ी। अरे रे रे लोग तो सो गए दोबारा से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह पानी गिर गया छत पे सोए थे तो हम लोग नीचे आ गए, सब लोग सो गए हैं और मैं नहीं सोई हूँ, मैं थोड़ा ऐसे ही टहलने निकल गई हूँ। अरे देखिए पीछे सुबह सुबह बादल हैं और आसमान कितना ब्लू दिख रहा है जबकि काले बादल हैं। सामने दिखाती हूँ रोड। अच्छा मौसम हो रहा है। हेलो गाइस, आज हम लोग भाजी तोड़ने जा रहे हैं। पूजा और मैं भाजी तोड़ने आ गए हैं। कोयलार की भाजी पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, एक अच्छा खासा पेड़ होता है, दिखाऊंगी जाके। बट गाइस इसे करियाम के साथ खाते हैं, नहीं करियाम नहीं, हम करिए बोला जाता है, बघार के भी बनाते। यस, बघार की भी बनाई जाती है, बिकती भी है ये भाजी, लेकिन गांव में मिल जाती है फ्री की। यस गाइस, बस थोड़ी बहुत किसी की गाली गलौज खानी पड़ती है जिसका पेड़ होता है तो फिर ले जाओ तोड़ के खा लो। लेकिन नहीं गाइस, हमारी बहुत पहचान है गाइस, इसलिए हमें कोई गाली नहीं। अभी तो हम लोग को कोई नहीं बोलेगा, पूजा दीदी बचा लेगी अपन को। यस गाइस, बस पहुंच गए हैं और चाची एक पेड़ में चढ़ चुकी है गाइस। अभी पूजा की मम्मी दीदी चगेंगी तो हम भी आपको दिखाएंगे। ए मैं तो कुछ नहीं है साली, कले दिखाओ। इस पेड़ में तो कुछ नहीं है दोस्तों, जहां हम लोग आ गए हैं ये इस पेड़ में तो कुछ भाजी ही नहीं दोस्तों, जहां हम लोग आ गए हैं गाइस। ये खाली गाइस, ये एक पत्ता बस हो गया है गाइस, जैसे तैसे इसी को तोड़ते हैं। ये है कोयलार का पेड़ गाइस, देखिए गाइस, और ये है ये हरी हरी भाजी, अब तोड़ लेते हैं। ये पूजा दीदी चढ़ने लगी, इसको ऐसा करो फिर ऐसा गाइस, फिर ऐसा गाइस, फिर ऐसा गाइस। ठीक है दोस्तों, तोड़ लेते हैं पहले भाजी फिर मिलते हैं। दीदी हमारी चढ़ चुकी है पेड़ पे, भाजी तोड़ रही है। कुछ भी भाजी नहीं गाइस, दिमाग खराब हो गया गाइस, पूरा पेड़ सुखा गया है गाइस, इसको पानी देना जरूरी है गाइस। भाजी तोड़ के घर आ गए हम लोग, इतनी सारी भाजी लेके आए हैं। अब इसको और छांट बीन के ऐसा निकालना है मुलायम मुलायम, बाकी हमारी गैया खा जाएगी। पूजा दीदी ने आज बहुत मेहनत की है भाजी तोड़ने में। मल्टीनियम दोस्तों, हमारे गांव का बाजार लगा है, 60 दुकान है बस गाइस। मेरा भाई गाइस जो कैमरा दांत में घुस गई, 3 फुल्की दांत में घुस गई, 3 फुल्की ज्यादा है, 70-80 रुपया है। नहीं है लड़ाई हो गई। आज हमारे गांव में फग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्री आने वाले हैं जी गाइस। अपना खा ले चला। फुर्सत तो मैं अभी पी लूं थोड़ी। आंखें दिखा दिखा सारी बॉटल बाहर है। हां बतका हो रहा है तो प्लेट प्लेट वाले बात मनीष बताइए। दोस्तों यहां चूल्हे में रोटी बन रही है हमारे, कुछ ऑडियंस को बता पैसा जमा नहीं था, मजा आ रहा है। मम्मी के मैं बोल अत्या अच्छे से तैयार हो रही कर वीडियो में तहु खिलाए करू का अब तुम क्या कहना चाहोगे, इसने ला दिया मेरे लिए पानी, ये कहा है अभी तो मनी से पानी मंगवा के दिखा दे तो मैं मान जाऊ कहा। बड़े अम्मा आखिरी बार एक 1 लीटर पानी की बोतल ला दे इस मोहल्ले।
नाम चल लिए तो चलो मैं इतना स्कार दूंगा। चल एक होटल में हम गए इस बताते हैं। हम एक होटल में गए थे थी। आज मार्केट बाजार में अरे हाँ अरे बत... बाजार बाजार नहीं हम हाँ। कहीं भी गए हैं हाँ। यहाँ से स्टार्ट कर हाँ। तो गाइस मैं इसकी कहानी बताता हूँ। हम गए थे एक होटल में, हम वहाँ हंसी मजाक कर रहे थे, दीपक भैया भी थे, निबंध ना बताने सब लोग ठीक है रुक जा पानी हंसी मजाक कर रहे थे जल्दी बता तो दीप वाह बोले बोलो दीपक भैया कहा थे मंगवाओ यार कुछ खाए कि नहीं था कहा पैसा कौन दे यार कहा पैसा कहा था या दही ना यार ऐसे वहाँ और जन भी रहे थे चिंटू कहा था मैं मंगवा रहे हैं ना मंगवाने थे चिंटू कहा था तीन प्लेट भजिया दो कहा भजिया हाँ देखा था छोटी में बड़ी बात मतलब कहने कह रही कौन से वहाँ से बता रहा छोटी में बड़ी बात नहीं ऐसे है कहे छोट मुँह है बड़े बड़े ऐसे कहे ना लग वह कह दे रहा है होटल वाले इतनी बड़ा ज्यादा ना बता इतनी बड़ा ऐसे कहे हाँ इतनी बड़ा ज्यादा से बता इसके हाँ इतनी बड़ा है और बक बका इतनी मतलब है यो की मतलब है छोटी मुँह बड़ी बात करके तो ऑर्डर दी तू उनका और तो मैं चाचा के साथ रात करते शांत रह गए मैं कौन कुछ गलत है कह रहा हूँ अरे तो पैसा जो है दे भाई तू ही फिर दस फिर तीन प्लेट भजी फिर ना चिखाया फिर आप लोगों का उठ के भाग गया हम दिमाग सुन के चिंटू खुदाने मन दो तीन करके एक पास है मेरा आप ब्लॉग में नाम नहीं दे सकते ना देवा देवा पानी बोतल दे दीवा पर्सनली बता रहा हूँ उसके यहाँ गए थे दोस्तों छत पे आ चुके हैं चिंटू बेचारी की आज बेइज्जती हो गई है सोया है बेइज्जती की मारी सो गया है बेचारा कोई बात नहीं मेरे मुंह में थोड़ा टॉर्च मार दो मनीष ओके दोस्तों तो छत पे आ चुके हैं बिस्तर लगा लिए हैं अब सोएंगे अब नींद आ रही है और वीडियो को यहीं एंड करते हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और चिंटू चिंटू की बेइज्जती हो गई बेचारी की सो गया है।